relax. मैंने तो हमेशा 5 आवर में 120, 130, 125 से नीचे देखा नहीं। ठीक है, दोबारा से टहल लें, कुएं में जाएं, बिल्कुल बॉडी रिलैक्स छोड़ दें, हाथ हाथ आगे से छोड़ दें, वापस 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 आए, पीछे झुके, ऐसे कोई पेन नहीं, कहाँ नहीं, कभी भी नहीं, लेफ्ट साइड पे झुके, राइट साइड पे, रिलैक्स। तो आपका नाम कैसे में शुरू हुआ, ये वाला जो टिपिकल नाम है? ये किसी है, बैठे हैं आजकल की जो जनरेशन है ना, बैठे हैं जी, सर के पीछे हाथ रखे हैं, पेट की तरफ लेकर आए, वापस ऐसे को, यहाँ दर्द, वापस ऊपर की तरफ उठाएं, वापस नीचे छोड़ दें, वापस ठीक है, सीधा लेटें, इसको टांग ऊपर उठाएं, कुछ स्ट्रेचिंग्स करते हैं बॉडी की? बॉडी की बस नहीं करता। आपकी तो स्टूडेंट ये चीज है ना, हाँ, ये जरा 2 दिन से चला नहीं जा रहा है सही। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, दोबारा ऊपर उठाएं, आपके तो स्टूडेंट ही इतने होंगे यार, किसी से भी स्ट्रेचिंग करा ली, ऊपर उठाएं, रिलैक्स रिलैक्स। पहले इस तरह होता था कि खिलाड़ी, खैर फिटनेस बेहतर होती थी लेकिन खिलाड़ी अपनी मेंटेनेंस का बहुत ख्याल रखते हैं दुनिया भर में, लेकिन पाकिस्तान में इतना कल्चर नहीं है, ये खिलाड़ी जब तक खेलता है तो खेलता है। सर वहाँ मिलते हैं पैसे खेलने के, और यहाँ खुद से लगाने पड़ते हैं, तो फर्क है काफ़ी। उनकी बॉडी में बहुत स्टिफनेस है वैसे, या तो आप कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें काफ़ी हार्ड वर्क है? मैं बहुत हार्ड वर्क करता हूँ, बहुत ज़्यादा। जी हाँ, कुछ लग रहा है, ऐसे उठने की कोशिश करनी है सीधा। हाँ जस्ट उठें, ऐसे कोई कमर में दर्द नहीं? कमर में मुझे कभी भी नहीं मिलते। ठीक, उल्टा लेटना आपने, यहाँ पर है 3-4 दिन से बहुत ज़्यादा। ठीक है, रिलैक्स होकर उल्टा लेटें, जिसमें रिलैक्स, बाल पीछे कर लें, तो फेस रख लें कि हैमस्ट्रिंग बहुत स्टिफ है, और इसके अलावा ये कि हिप जॉइंट पे भी थोड़ी सी हाइपोमिलिटी है, हाफ में बहुत टाइटनेस लग रही है, अपर बैक इनकी इतनी स्टिफ नहीं है, हालांकि अभी मैं मैनिपुलेट किया भी नहीं है, लेकिन मैनिपुलेट हो गया, थोड़ा सा नीचे फेस कर लें, थोड़ा सा और नीचे हो जाए, कंफर्टेबल हो जाए, इससे रिलैक्स। इससे पहले कभी थेरेपी या कर प्रैक्टिस करवाई है? नहीं सर, ये पुराने प्लेयर्स ही थे जो चल जाते हैं, वरना न्यू प्लेयर्स ऐसे नहीं होते। गहरा सांस लें, बाहर, अगेन बाहर, फिर से, इनकी वैसे पर तरह से मैनिपुलेट हो गई है, रिलैक्स, बॉडी भी रिलैक्स रिलैक्स। क्या आपने बर्दाश्त है? ये पेन है सबसे लंबा मैच आज तक कौन सा खेला आपने वेटरन्स में, कितने ओवर्स का? सर 40 आवर का तकरीबन डेली, 10-10 दिन भी खेलते हैं डेली मैच। क्यों? फिर यार ये हुआ है कि जब लीग चलती हैं मसल खींचे गए या फिर जवाब दे गए या जिस्म पूरा फिर छोड़ दिया, जिस्म भी रिलैक्स 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 रिलैक्स। जब ठीक हुआ तो मुझे हैमस्ट्रिंग हुई थी, जिस्म रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। मेरा दोस्त है मोहम्मद अब्बास, पाकिस्तानी टेस्ट प्लेयर, जिसमें रिलैक्स 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 रिलैक्स। तो फिर उसने मुझे रिहैबिलिटेट किया, एक्सरसाइज कराई? जी जी बिल्कुल, मैं वो यहाँ होटल में ठहरा हुआ था तो मैं गया उसके पास, फिर उसने मुझे एक्सरसाइज कराई, फिर 1-2 बैंड भी दिए उसने एक्सरसाइज। हैमस्ट्रिंग इंजरी क्रिकेटर्स को हो जाती है, खासतौर पर बॉलर्स को। जी अभी ये
लास्ट नाइट हम फ्राइडे को मैच खेले हैं, तो आप यकीन करिएगा कि ऐसे था जैसे अभी नहर से नहा के निकले हैं और पानी का एक घूंट तक नहीं पिया, वो फिर मसल खींचे गए फिर थोड़े से, लेकिन दो तीन दिन बाद ठीक हो जाते हैं। डाइट का ख्याल रखते हैं? डाइट यानी कि केले खाना? केले वेले तो नहीं खाता, बाकी जो चीज़ें आती हैं मैं खा जाता हूँ। केले वेले बहुत कम खाता हूँ, फ्रूट का बहुत कम इस्तेमाल करता हूँ। क्यों, मना किया है किसी ने? ऑयली चीज़ नहीं मैं खाता। केले सुलन, केले की फायदे का पता है आपको? नहीं सर। बॉडी को ना एनर्जी चाहिए होती है, तो केले में काफ़ी एनर्जी होती है फ्रूट्स बाकी फ्रूट्स की नस्बत, इसलिए मोमन आपने देखा होगा इवन टेनिस प्लेयर जो होते हैं रॉजर फेडरर, बहुत से लोग होते हैं केले खा रहे होते हैं ड्यूरिंग मैच, बॉडी को इंस्टेंट एनर्जी चाहिए होती है इसलिए वो रिकमेंड किए जाते हैं। जैसे हम इसको रिलैक्स छोड़ दें, ये बात है 2006-08 की जब हमारा मैच था नेहरू पार्क में, तब से लगता है मैंने आपको देखा और मैं कुछ नहीं पाया, तब मैं बहुत छोटा था भाई। हाँ जी, उस वक्त आपकी टीम फाइनल में पहुंच गई थी जी, बिल्कुल बिल्कुल, तो आप बैटिंग कर रहे थे। वैसे मैच आपके हक में जा सकता था लेकिन वो एंड में काफ़ी स्कोर रह गया था। बिल्कुल बिल्कुल। उसका सेकंड प्राइस कितना था सर? उसका 25,000। फर्स्ट या सेकंड? सेकंड, बचा था पहला। नहीं, नहीं, पेन है बहुत ज़्यादा जी। हाथ चुभ रहा है या दर्द हो रही है? हाथ चुभ रहा है सर। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, इधर भी हाथ चुभ रहा है, इधर भी बराबर पेन है जी। सर रिलैक्स रिलैक्स, ये पेन है, काफ की स्ट्रेचिंग नहीं करेंगे तो पेन आएगी, ये पेन है बहुत ज्यादा, बर्दाश्त नहीं हो रही ऐसे जी, है काफ के ट्रिगर पॉइंट्स बहुत ज्यादा हैं इनमें, इधर भी उतनी ही पेन है, इधर थोड़ी सी कम जोर लगाएंगे तो फिर वो शिद्दत बढ़ती है सर, इधर बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा। आपके दोनों काफ मसल बहुत स्टिफ हैं और ख़ास तौर पर लेफ्ट वाला जी, इसकी कुछ स्ट्रेचिंग्स थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए एक्सरसाइज बताता हूँ आपको, वो करनी है आपने, बहुत पेन है बहुत ज़्यादा जी। लगता है ज़िंदगी कभी सेशन नहीं हुआ आपका? कभी भी नहीं हुआ। क्यों सर? भागते दौड़ते रहते हैं, फुटबॉल बहुत खेलता था। जो आजकल की जनरेशन है उनको आप क्या सजेस्ट करेंगे, क्या वो आपकी तरह 40 साल की उम्र में होगी? उनको तो यही है कि खेलने से पहले जब तक स्ट्रेचिंग ना करें तब तक ना जाएं। अब जो जितने भी मैं बहुत ज़्यादा अब जितने भी मैं देखता हूँ ना मेरे दोस्त जो अब जिन नाम और जो प्लेयर हैं जिन्होंने भी क्रिकेट स्टार्ट की है प्रोफेशनल लेवल पर, एक एक मैच खेलते हैं अपनी टांग लेके कोई बैठा होता है, कोई अपनी कमर लेके बैठा होता, बहुत ज़्यादा पेन है सर। वैसे कोई नहीं टांग में दर्द आपको? नहीं, चलते हुए नहीं महसूस होती मुझे, खिंचाव महसूस होता है बस हमेशा। फिर वो एक दोस्त है वो आभास ने फिर मुझे एक टैबलेट बताई थी, वो मैं लेता हूँ तो उससे मसल रिलैक्स हो जाते हैं। कैप्लान कल सुबह कोई मैच तो नहीं है कल? नहीं जी, अब संडे को आ ठीक है। आपका ओरिजिनल नाम क्या है? मेरा इजाज़। इजाज़ कोई भी नहीं जानता, तो प्यारा नाम है, जानते ही कोई नहीं सर।
यहाँ तक जो मेरे पूरे रिश्तेदारों में भी मेरा सही नाम नहीं मालूम किसी को, अच्छा सब मुझे भाई कहते हैं। भाई के आगे भी कुछ है? भाई लंगर तो नहीं कहते लेकिन भाई सब कहते हैं फैमिली में, नहीं वैसे बेगम नहीं के अलावा। कहते भाई, हमें तो यही मशहूर पता था, साफ सी बात है। सब रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। आपका माशाल्लाह जिसमें बड़ा अच्छा डेवलप्ड है, और ये एक अच्छे स्पोर्ट्समैन की निशानी होती है। अच्छा स्पोर्ट्समैन जो होता है वो चूँकि खेलता रहता है जी और गॉड गिफ्टेड टैलेंट हो ना बंदे के अंदर, तो जी इंजरीज भी कम होती हैं। सर, मैंने ना मेरे जितने भी दोस्त हैं ना, हालांकि मुझसे 3 3 4 4 साल छोटे हैं, उनका बिहेव ऐसे ऐसे निकला हुआ कि ऐसे लगते हैं कि जैसे वो 60 60 साल के हो। जी हाँ वो जुलम है। अभी ये दोस्त मेरा आया होगा, बोला नाम है उसका बटा, उसको देखा आपने जिसम मैं तो करवट लेनी है आपने, आके ऐसे। मैं तो फेस कर लें। पिलो चाहिए मुझे। पोला हमारे पास, पोला आया था। करवट लेनी मेरी तरफ, यहाँ पे लगाना मेरी तरफ। ठीक है ठीक है। जैसे मेरे को रिलैक्स छोड़ने, बॉडी को रिलैक्स छोड़ने, रिलैक्स रिलैक्स। खुद आपने कुछ नहीं करना, बॉडी बिल्कुल रिलैक्स रिलैक्स जी रिलैक्स। जिसम रिलैक्स रिलैक्स। जी अपने बाजू को भी रिलैक्स छोड़ दें यहाँ से, रिलैक्स। जिसम कर रहे हैं, जिसमें मेरे को रिलैक्स, बॉडी में रिलैक्स रिलैक्स। बॉडी में रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। सीधा लेटे हैं। से मेरे को रिलैक्स छोड़ देने, रिलैक्स रिलैक्स। ऐसे दिखाने ले आए, ले आए लेग। बिल्कुल रिलैक्स छोड़ दें आप, रिलैक्स करें ऊपर। स्ट्रेटनिंग किया है अभी, कब का एक्सरे आई है? आप रिलैक्स छोड़ दीजिए, आपने सांस लेते रहना हमने। हाँ तो अब ये बेहतर हो चुका होगा, कमर का स्पैज़म जो है ना आपका। नहीं 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 बैठ जिसमें बिल्कुल रिलैक्स। खिंचाव रहे हैं बहुत ज़्यादा, इसको कोई परेशानी की बात नहीं है। स्पैज़म है मसल्स का, लेकिन अब नहीं है। इस एक्सरे में शो हो रहा है कि स्पाइन स्ट्रेट है, लेकिन वो 4 दिन पुरानी बात है। जिसमें बिल्कुल रिलैक्स इसी बात कर रहा कर दें, है, एक कर दें। मिनट इसी बंद कर मुझे दें, सर्दी लगी। बंद कर दें इसे। कोई परेशानी की बात नहीं, इसमें रेडनेस शो नहीं होती एक्सरे में, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपकी बोन्स शो होती हैं और दैट्स इट। बस मुझे वो थोड़ा सा दर्द था ना, मैंने वो नहीं करवा तो लिया था, मैंने फ्री था, मैं नहीं नहीं कहा चेक कराऊं। कोई मसले की बात नहीं, आपका चलता हुआ आना प्रॉपर तरीके से ये इंडिकेशन है ठीक हो सारी की सारी पॉजिटिविटी की। समय को रिलैक्स। थैंक यू। ओके अल्लाह हाफिज। पूरी टांग नीचे दबाएं, छोड़ दें, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स।
रिलैक्स। कोई शागिर्द नहीं बनाया आपने? तो किसी शागिर्द ने एक्सपीरियंस लेकर जो आपके साथ ज़्यादा होता है उसको मैं ट्रेन करूँगा, उसको बताऊँगा कि आपको ख्याल कैसे रखना है। ख्याल से बना जाइए कि स्ट्रेचिंग तो मैं ना कल उनको लेके आऊँगा। हाँ साहब को वो अगर इधर आ गए ना तो फिर समझेंगे कि बहुत बड़ी मिनटी है जिनके साथ मैं खेलता हूँ। वो बहुत बहुत वो ठीक लोग हैं। ठीक अगर वो आ गए ना उन्होंने आपको फेस वाई थी तो वो मैं उन्हीं के पास ही जा रहा हूँ तो उनको मैं उनको आप डी एच ए भी ला सकते हैं। डी एच ए भी मेरा क्लिनिक है वहाँ। किस टाइम आते हैं? वहाँ मैं कल पूरा दिन बैठूँगा 4 बजे से लेकर रात 8-9 बजे तक। सुबह दोपहर को 4 बजे से? हाँ शाम 4 बजे से लेकर। यहाँ ही अगर लाना है तो परसों का टाइम मिलेगा फिर थर्सडे को। मैं आपसे ना नंबर ले लेता हूँ। हाँ हाँ जैसे मैं आपसे रब्ता कर लेता हूँ। ज़रूर पुश डाउन पूरी टांग नीचे दबाएँ रिलैक्स जिसमें बिल्कुल रिलैक्स छोड़ दें रिलैक्स रिलैक्स। खिलाड़ी की टांग इधर तक आती है बिल्कुल। आपकी भी आती होगी लेकिन शायद आपने काफ़ी अर्से मैंने नहीं की स्ट्रेचिंग में करता ही नहीं। जैसे रिलैक्स जब बहुत रेगुलर खेलता था ना तब करता था। मेरा एक दोस्त है वो ट्रेनर है पाकिस्तान टीम का, असवन नाम है उसका, ये ऑन जानता है उसको। हाँ हाँ असवन असवन। तो उसकी आजकल वो उसके साथ एक लड़का होता है यासर मलिक। अच्छा, वो अच्छा। पाकिस्तान टीम का तो ये आजकल कोर्स वोर्स कर रहा है। तो जब मुझे बहुत ज़्यादा मसला होता था ना फिर मैं उसके पास चले जाता था इवेंट। सही बात नहीं आपने बंदा सही पकड़ा है। असवन असवन बहुत कॉम्पिटेंट बंदा है और वो रियल स्पोर्ट्स थेरेपिस्ट है और वो स्पोर्ट्समैन भी है जी जी और फिर थेरेपिस्ट भी है। स्पोर्ट्स थेरेपिस्ट भी मास्टर्स भी कर रहे हैं वो। उस बंदे का इंटरेस्ट भी है क्रिकेट में। बंदे आपने सही पकड़े हुए हैं। 11 सांस लिए समय रिलैक्स रिलैक्स है। आपका काम की नेचर कोई ना एक हार्ड नेचर है आपके काम की, बैठने का वाला काम नहीं लग रहा। जी सर मेरा सारा दिन काम होता है। मैं एडमिन हूँ अपने उस ऑफिस में तो सारा दिन बैंकों का फिर ऊपर से तीसरे फ्लोर से नीचे आना जाना भागना बैंकों में आना जाना एक मिनट का भी वो काम नहीं है। परचेजिंग करनी है सारी बैठने वाला नहीं है भागने दौड़ने वाला काम है। और फिर इसी दौरान मैं थोड़ा बहुत शौक भी पूरा कर लेता हूँ शाम में जब देख लो फिर कर रहा हूँ। लौटाएंगे बैंक करें मेनली किन किन ग्राउंड पे खेलते हैं आप? लाहौर में या आउटर सिटी में जाते हैं? तकरीबन हर जगह चले जाते हैं अगर टाइम मिले। आपको बच्चे हो गए नहीं है उनका भी आप पर हक है भाई। सारी ऑडियंस का हक नहीं है आप पर। उनकी अम्मी ने सिखाया अल्लाह ताला ने कुदरत में ये चीज़ डाली हुई है। मैं लास्ट टाइम सिर्फ कराची गया उसके बाद मैंने तौबा कर दी। कह लिया आपने खड़े होने उस तरफ टहल लेने सर के पीछे हाथ रखे कोहनियाँ टाइट कर लें बैठे मुझे ना सर कभी भी पेन नहीं हुई लेकिन जब भी हुई ना सर फाइन करना चाहता हूँ इस जगह पे हुई है तो उसके बाद ना ऊपर लिखा गया ना नीचे ना ये इस जगह पे ये वाले ज्वाइंट में हमेशा मुझे इसमें पेन रही है। क्योंकि मैं जब भी मैं ये होती भी मुझे आठ बॉल में है जब भी मैं जोर लगाने जाता हूँ ना यॉर्कर बॉल पे तो तब मुझे अपना एंगल चेंज करना पड़ता है और उसको जब मैं ऐसे मारता हूँ तो तब यहाँ पर ऐसे ही निकल गया। फिर मैं ये 2-3 हफ्ते के लिए मेरे हर बार जी सदियों में
सर्दियों में गर्मियों में ठीक है, कमर सीधी करें। ऐसे पेन है यहाँ भी नहीं है, ये ऊपर जो ज्वाइंट नहीं है जिसको हम ऐसे करते हैं नीचे, ये वाला ज्वाइंट जो आपका ये ज्वाइंट है नहीं, इनमें नहीं होती सर, होती है यहाँ पर। ठीक है, रिलैक्स हो, रिलैक्स। उन दिनों आपने ऑब्जर्व करना है। अच्छा, कुछ ट्रेनिंग करते हैं शोल्डर की? सर पहले तो जिम जाता रहा हूँ, उसके बाद फिर छोड़ दिए। अब डंबल नंबर घर रखे हुए हैं, वो भी देने का रहा नहीं, रात रखे हैं, 2 महीने हो गए ऐसे पड़े हैं। सर के पीछे हाथ रखे हैं। अब मुझे बताइएगा फॉलो अप फ्यूचर में कभी ना अगर प्रॉब्लम आपको हो। फ्लेक्सिबिलिटी तो शोल्डर की आपकी बेहतरीन है। ठीक है जनाब, रिलैक्स छोड़ने के अंदर। वो क्या यंग जनरेशन जो आपको है उनको क्या एडवाइस करना चाहते हैं, जो क्रिकेट नहीं खेलते उनको क्या एडवाइस करना चाहते हैं? उनको जो क्रिकेट नहीं खेलते उनको भी ये सेशन लेना चाहिए, ये ट्रेनिंग सेशन। और क्रिकेट का अगर किसी ने अपना करियर स्टार्ट करना हो तो वो कैसे करे आजकल के ज़माने में? सर ये जो स्टार्ट होता है ये तो सबसे पहले ये इंसान को अपने अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस पैदा करना पड़ता है। मसलन जैसे ही वो कॉन्फिडेंस इंसान के अंदर आता है तो इंसान अपने आप को अच्छे लेवल पे लेके जाना शुरू। तो आपका करियर कैसे स्टार्ट हुआ था? मेरी कोशिश यही थी कि मैं शुरू से हमेशा के अपने से अच्छे प्लेयरों में खेलूँ। मुझे जब कोई मोहल्ले के लड़के कहते थे मैं उनके साथ नहीं खेलता था, मेरी कोशिश होती थी मैं अच्छों के साथ खेलूँ। फिर मेरे कुछ दोस्त थे शाद माल के, जून जुलाई का महीने में 2003 की बात है, 2004-05 कोई कतर चले गया, कोई अमेरिका चला गया, हम डेली मैं उनकी बोलें पकड़ता होता था। वो प्लेयर बहुत अच्छे थे, शिबाज भाई के लेवल के प्लेयर थे। मैं उन ग्राउंड में मैंने चले जाना, स्कूल से मैं छुट्टी होनी, शौक मुझे बहुत था तो मैंने ग्राउंड में चले जाना, यहाँ बाबा ग्राउंड। उन वो आते थे 2:30 बजे सख्त गर्मी में, वो आपस में क्रिकेट खेलते थे, मैं उनकी बोलें पकड़ता था, उनके साथ मेरी दोस्ती हो गई। फिर उन्होंने 1 घंटा पहले आना शुरू कर दिया, फिर वो मेरे साथ खेलते थे। फिर वो ऐसी गेम खेलते थे जिससे प्रैक्टिस बहुत अच्छी होती थी। 6 बॉलों में 3 छक्के लगाने होते थे, अगर आउट हो गए तो आउट हो, अगर छक्का लग गया तो फिर आपकी 3 लग गए तो कंटिन्यू बारी स्टार्ट। फिर उसमें एक लगन होती थी कि यार मैंने दोबारा फिर बारी लेनी है, तो वो जो चार्म था ना वो फिर ऐसे पहले तो 4-5-7 दिन पता ही नहीं लगता था। फिर जब मैं उनके साथ क्रिकेट खेलता था तो फिर मैं उनसे पहले आ जाता था ग्राउंड में। फिर मैंने मेरे जो दोस्त थे ग्राउंड के उनको मैं कहता था कि यार आप ना मुझे, वो खेलते थे थोड़े बड़े भाई से, मैं उन्हें कहता था यार छोटे से भाई से आप मुझे बोलें कराया करो। जब मैं उनकी बोलें खेलना शुरू हुआ तो 4-5 दिन 7 दिन मैं वो खेला हूँ, तो जब मैं उनके साथ फिर खेलना शुरू हुआ तो मैंने जब उनको छक्के मारने शुरू किए वो तो हैरान हो गए कि यार इसको क्या हुआ। क्योंकि वो एक तो होती है कि आपकी टाइमिंग ठीक हो जाती है, जितना आप छोटे भाई पे खेलेंगे आप तेज से तेज बॉलर को बड़े भाई पे फेस कर सकते हैं। जब आप बड़े भाई पे खेलेंगे, जब आपको प्रोफेशनल बॉलर जब उससे जो कम वाया लगता है उस पे आएगा तो वो तो आपको खेलने नहीं देगा। और बॉलिंग प्रैक्टिस भी यही है, आप कम से कम अगर 22 का लगता है ये जो जिसे हम वाया बोलते हैं क्रीज, तो आप बॉलिंग प्रैक्टिस करें 30 पे 28 पे। और जैसे ही आप 1 महीना 2 महीना इस पे प्रैक्टिस करेंगे 28 या 30 पे, उसके बाद जब आप 22 पे ट्रांसफर होंगे ना तो आप कंट्रोल होगा, यार ये तो मुझे छक्का ही नहीं मार सकता, चाहे वो शबाज काला हो चाहे जो मर्जी हो। तो यही तरीका होता है प्रैक्टिस का। लेकिन आजकल के लोग लड़के मैं देखता हूँ 1-2 छक्के मारते हैं तो फेमस हो गए हैं सारे। हमारे टाइम में तो वो जो अब सोशल मीडिया है ना, अब तो हमारे टाइम में सर जो प्लेयर थे वो तो 30-30 छक्के मारते थे। मैंने तो हमेशा 5 ओवर में 120, 130, 125 से नीचे देखा नहीं। हम खेलते थे हम भी इतना करते थे, लेकिन अब तो 5 ओवर में 60-65-70 स्कोर कर लेते हैं तो बॉलिंग साइड आराम से जीत जाती है। तो उस दौरान के जो बॉलर थे हमारे लाहौर के, मुझे जितनी देर मैंने क्रिकेट खेली है मुझे याद है कि उन्होंने 8-8-9-9 साल लाहौर के बाहर के प्लेयरों से छक्का ही नहीं खाया। अच्छा, छक्का ही नहीं खाया भाईजान। 8 ओवरों का मैच होता था, 30-40-35 पे टीम को ढेर कर देते थे। और शबाज भाई जो क्रिकेट खेलते थे उनको देख के हमने बहुत कुछ सीखा है। तो फर्ज करें अगर ऐसा एक बॉलर है जो मैं खेल रहा हूँ तो मुझे ऐसी बॉलिंग करा रहा है तो मैं कह रहा हूँ यार इससे अच्छा बॉलर ही कोई नहीं, और जब शबाज खेलता था तो हमें लगता था कि ये बॉलर ही नहीं है। अच्छा, वैसे लगता था उसका बॉल ही नहीं पहुँचता था। मैंने सर लिटरली अपनी आंखों के सामने कितने बंदों के पाँव कांपते देखे हैं, इतने इतने अच्छे बॉलर जब शबाज के सामने आते थे वो फुल टॉस से बॉलिंग कराना शुरू हो जाते हैं, हम उसको कहते थे यार तुझे हुआ क्या। तो क्रिकेट देखने से बहुत ज़्यादा मिलती है,
और मेरी अपनी लाइफ का तजर्बा है सर कि जब तक बंदा ग्राउंड में जलीलो ख्वार नहीं होता तब तक वो प्लेयर नहीं बन सकता। यानी कि टफ टाइम आप होना चाहिए जीत रहे बंदा को। हैं, आप जीत रहे हैं, आपको पता ही नहीं आप में क्या खाम, जब आप हारेंगे फिर आपको पता, वो हार आपको सिखाएगी कि आप कैसे हारे हैं, वो बहुत कुछ सिखाती है हार। हार जो बंदा हारता है ना वही प्लेयर बनता है। जीतने वाला तो जीत गया, किसी ने जिता दिया उसको पता ही नहीं मेरे अंदर क्या खमी कुताई थी, वो भूल जाता। जो बंदा हारता ना, जीतने वाले तो चले जाते हैं लेकिन फिर वो सोचता है यार कि मैं, मेरा ये तजर्बा है लाइफ का कि जब तक बंदा ग्राउंड में जलील नहीं होता वो प्लेयर नहीं बन सकता। सही है सही है। चलिए विश यू बेस्ट लक। मेरे दिन का, मेरी ज़िंदगी का बड़ा यादगार दिन है। थैंक